कानपुर महानगर में एक अनुमान के मुताबिक करीब 70,000 लोग कर्ज लेकर लापता हो गए हैं। 2 लाख तक की रकम सबसे ज्यादा डूबने की कगार पर बताई जा रही है। 70,000 ग्राहकों ने अब तक लोन नहीं चुकाया है। अधिकांश लोन पर्सनल लोन, ऑटो लोन, कंप्यूटर लोन और सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पिछले 2 साल में छोटे लोन के भुगतान की रफ्तार में कमी आई है और बैंक के वरिष्ठ अधिकारी इस बात को देख रहे हैं। तमाम लोन लिए गए और पिछली 3 से 5 किश्तों का भुगतान नहीं किया गया है। समस्या इस बात की है कि पर्सनल लोन लेने वालों की संख्या इसमें सबसे ज़्यादा है, क्योंकि गारंटी या सिक्योरिटी न होने की वजह से लोन लेने वालों से रिकवरी में भी परेशानी आ रही है। किसी ने नौकरी बदल ली है तो किसी ने शहर बदल लिया है, कोई किराए के मकान में रहता था तो कहीं किसी दूसरे कारण से इन लोन की किश्तों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। तमाम विभिन्न बैंकों से लोन लिए गए सरकारी योजनाओं में, और पर्सनल लोन लिया गया, ऑटो लोन लिया गया, कंप्यूटर लोन लिया गया, जिन्हें नहीं चुकाया जा रहा है। यानी 70,000 लोग लापता हैं, इनको ढूंढने की कवायद की जा रही है, इनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।